स्वागत करते हैं फिलहाल संजीव भसीन साहब का और प्रस्तुत करते हैं उनके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। भसीन साहब, आप इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने 1650 पर खरीदारी की राय कोटक बैंक पर दी थी और ये जो राय आई थी ये 2 महीने पहले नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले आई थी और वो ट्रेड बखूबी स्क्रीन पर काम करता हुआ। दोबारा रीवैल्यूएट कीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को और आज के 2 ट्रेड्स सेट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरिंदर को भी, और आपने सही फरमाया। देखिए, कोटक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर और वो जब सबको लग रहा था कि दैट इज द, और अब आपको दिख रहा है कि द बैंक निफ्टी इज एन आउट परफॉर्मर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी और एसबीआई भी मैंने कहा था, तो आई स्टिल थिंक बैंक निफ्टी इज हेडेड हायर। मैं अभी भी सोचता हूँ मिड कैप बैंक्स विल गिव बेटर रन फॉर द मनी बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो सब लोएस्ट है, इट जस्ट द प्रोविजनिंग, और अगर आपको रीओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगी जो दिख रहा है ऑटो सेल्स एंड अदर थिंग्स, दिस विल डू वेरी वेल। एक अपडेट दे दूं, कल महिंद्रा मैंने कहा था, वो महिंद्रा आज भी मैं सोचता आउट परफॉर्मर है और ऑटो में आज थोड़ा लैग कर रहा है, बट हीरो मोटो विल बी द स्टार ऑफ अगस्त फॉर द नेक्स्ट पार्ट, तो वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट। मैं अभी भी सोचता हूँ द रीओपनिंग ट्रेड एज फार एज द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स, अडानी पोर्ट्स नंबर्स वर फैंटास्टिक, ये 850 का भाव जल्दी आ जाना चाहिए। अभी भी मेरी कॉल खुली है, इसमें 745 का टारगेट है, 686 का स्टॉप लॉस। लेकिन आज मेरे 2 पिक्स हैं जो आपको रिजल्ट से हैं, आज आप रिजल्ट देख लिए, GSPL क्या, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, द बेस्ट एवर रिजल्ट, और मुझे लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी और गेल विल फैक्चर इन दैट। गेल हैज कम आउट विद ब्रिलियंट रिजल्ट, इनफैक्ट गेल का टारगेट हमारा लॉन्गर टर्म में अब 185 से 200 बढ़ा दिया हमने, तो ये मौका है, गेल लीजिए 44 में, स्टॉप लॉस ऑफ 40, दिस इज हेडेड टू 150 फर्स्ट, इट कैन इवन गो टू 155। दी अदर पिक इज अगेन पेट्रोनेट एलएनजी, इसके रिजल्ट्स फ्राइडे को हैं, इसकी जो इस वाली क्वार्टर की अर्निंग्स है इट विल बी द बेस्ट इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स, तो 15 में लीजिए, 210 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 25 होएगा, बट आई डोंट रूल आउट 30 रुपीज कमिंग वेरी वेरी फास्ट इन पेट्रोनेट एलएनजी। चलिए भसीन साहब, आपका बहुत बहुत